सभी लोगों ने टीवी पर देखा होगा इंडुलेखा भृंगराज या महाभृंगराज या महाभृंगराज ऑयल या महाभृंगराज चूर्ण, ये त्रिफला के साथ बनाया हुआ भृंगराज तेल, यदि आपने ऐड देखे होंगे। परंतु आपके सामने अगर भृंगराज का पौधा ला दिया जाए तो भी आप इसको पहचान नहीं सकते और इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और ये भृंगराज बहुत ही आसानी से आपके घर के अगल बगल नमी वाले स्थानों पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, परंतु हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ये भृंगराज बालों के लिए तो महाऔषधि है ही है, साथ में ये लीवर डिसीज, स्किन प्रॉब्लम, पेट संबंधी विकार आदियों में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है, परंतु हम इसके बारे में नहीं जानते हैं और इनको वनस्पतियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में महाभृंगराज या भृंगराज के बारे में, इसके आइडेंटिफाई हम किस प्रकार करें, इसके यूज क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इस भृंगराज का उपयोग हम किस तरह कौन सी बीमारी में करें, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो इस भृंगराज को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि केशराज, भृंगराज, केसनी भगर्रा, काला भगर्रा, कलुआ भगर्रा, केस किंग आदि नामों से जाना जाता है और इसका बॉटिकल नाम एट्रिपला पुस्टेटा है। और इसको आप अपने क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। ये भगर्रा बारिश के मौसम के बाद बहुत ही आपको दिखाई पड़ता है, वैसे तो ये साल के 12 मास आपको देखा जा सकता है, जहाँ झरने हैं, ताल तलैया हैं या नाले हैं या नमी वाले जहाँ स्थान है वहाँ ये साल के 12 मास आप देख सकते हैं। और बारिश के बाद ये विशेष सब जगह भारतवर्ष में पाया जाता है और इसके कहीं कहीं पौधे जो होते हैं खड़े आप देख सकते हैं और कुछ इसके पौधे आप ज़मीन पर फैले हुए मिलते हैं। इस भगर्रे की जो शाखाएँ हैं ये हरे रंग की होती हैं और इसके ऊपर कुछ सफ़ेद रंग के रुएँ भी दिखाई पड़ते हैं। इसकी पत्तियाँ 1 से 3 इंच लंबी होती हैं। इसकी पत्तियों को मसलने पर इसमें हरे रंग का रस निकलता है जो कुछ ही देर में काला पड़ जाता है। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और जो फल इसके जो पक जाते हैं तो ये काले रंग के हो जाते हैं। और इसके जो डंठल है ये अंदर से खुकल होता है और इसके जो जड़ है इसमें से छोटी छोटी जो शाखाएं ऐसी निकली हुई होती हैं। इस भगर्रे की 3 प्रजातियां बताई जाती हैं, सफ़ेद भगर्रा, पीला भगर्रा और काला भगर्रा। काले भगर्रे का उपयोग ज़्यादातर सोना बनाने के लिए किया जाता है, परंतु अभी तक काले भगर्रे का किसी भी ग्रंथ में ज़्यादा प्रयोग नहीं बताया गया है। आयुर्वेदिक दृष्टि से जहाँ भी उपयोग किया जाता है इस सफ़ेद भगर्रे का ही यूज किया जाता है। काला भगर्रा या भृंगराज के औषधीय गुणों की बात करें तो ये स्वाद में कड़वा होता है, ये गर्म तासीर का होता है और कृमिनाशक धातु परिवर्तक होता है। इसका यूज बाल बढ़ाने के लिए, नेत्र विकार, त्वचा विकार, लीवर विकार, दमा, श्वास, कुष्ठ, हृदय रोग, एलर्जी या वीर्यवर्धक में इसका यूज किया जाता है। तो इस भृंगराज का उपयोग कई सारी बीमारियों में आप कर सकते हैं, ये बहुत ही रामबाण औषधि साबित होती है इन बीमारियों में। तो आप जान लें इसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। ये औषधि कफनाशक भी होती है, जैसे कि छोटा बच्चा है जो 1-2 दिन का है, अगर उसको सीने में घरघराहट की आवाज़ आती है और सीने में कफ फंस जाता है तो ऐसे में आप इस भृंगराज का यूज कर सकते हैं। आप इस भृंगराज की आप थोड़ी सी पत्तियाँ ले लें, उसको पीस कर 2 बूंद आप इसका रस निकाल लें और शहद की आप 6 से 7 बूंद ले लें और उंगली की सहायता से बच्चे के गले में लगा दें तो थोड़ी देर के बाद ही बच्चे के जो कफ था वो मुंह के द्वारा बाहर निकल जाता है। पीलिया या कामला होने पर आप इसका यूज अगर 2 दिन कर लेते हैं तो आपकी पीलिया समूल नष्ट हो जाती है। तो इसका यूज हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। आधा सीसी या माइग्रेन, अर्ध कपारी,
का दर्द होने पर आप इसका रस निकाल लें और बकरी का दूध समान भाग लेकर आप इसको थोड़ा सा गुनगुना कर नाक में दो दो बूंद टपका दें। इस भगर्रे के रस में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर आप ललहाट पर लेप करते हैं तो आपके अधसिसी या माइग्रेन का दर्द दूर हो जाता है। भृंगराज बालों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि मानी जाती है, इसलिए इसको केश किंग या केश राज के नाम से जाना जाता है। जहाँ भी बाल ना उगे हों वहाँ आप इनके पत्तों का रस लेकर वहाँ मालिश करें तो आपके बाल उग आते हैं। इसका तेल भी बनाया जाता है और बाज़ार में बहुत सारी कंपनियाँ हैं इस भृंगराज का तेल बनाकर बेचती हैं। आप वहाँ जाकर इस भृंगराज का तेल भी यूज में ला सकते हैं। यह बालों के लिए बहुत ही रामबाण होता है। जहाँ भी बाल नहीं उगते वहाँ आप इनकी पत्तियों को तोड़कर मालिश करते हैं तो आपके बाल उग आते हैं। और तिल के तेल में आप इस भृंगराज का रस निकालकर सिद्ध कर लें और उस तेल को आप सिर में लगाते हैं तो आपके बाल मजबूत, गहरे, चमकीले होते हैं और साथ में लंबे भी हो जाते हैं। तो ये बालों के लिए सबसे महा औषधि मानी जाती है। आप गूगल पर भी जाके सर्च कर सकते हैं कि बालों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि में इस भृंगराज का नाम आता है। और ये भृंगराज आपके घर के अगल बगल और नालियों के किनारे आसानी से मिल जाता है। आप इसको जाने पहचाने और इसका यूज करें। नेत्र विकार होने पर आपकी मामूली सी आंखें अगर लाल हो जाती हैं, खुजलाती हैं या आइस फ्लू जैसी समस्या हो जाती है तो आप इसकी पत्तों की पुल्टिस बनाकर आंखों पर बांधते हैं तो आपके आंखों की लालामी, आंखों का दुखना आदि समस्या दूर हो जाती है। किसी भी कारण से आपके दांत में दर्द या डाँड में दर्द होता है तो ऐसे में आप जिस साइड आपके दांत में दर्द होता है उसके विपरीत साइड में जो कान है उसमें आप इसके भृंगराज की पत्तियों का रस दो दो बूंद डाल दें। उससे आपकी जो डाँड का दर्द है वो दूर हो जाता है। मुंह से बदबू आनी, मुँह पक्का आदि समस्या होने पर आप इसके 5 ग्राम पत्ते मुख में चबाकर और जो लार है वो थूकते जाएं। ऐसा आप दिन में कई बार करते हैं तो आपको बहुत ही शीघ्र लाभ हो जाता है। टाइफाइड, बुखार या शरीर में जकड़न, कफ हो जाने पर आप इसका स्वारस की 2-2 चम्मच दिन में 3-4 बार आप सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ देखने को मिलता है। बाज़ार में जितने भी आपको लीवर टॉनिक मिलते हैं उसमें भृंगराज का उपयोग किया जाता है। तो पेट में दर्द होने पर या गैस अफरा होने पर आप इस 10 ग्राम इस भृंगराज की पत्तियां ले लें और इसके साथ आप 3 ग्राम इसमें काला नमक मिलाकर थोड़े जल के साथ पीसकर छानकर आप इसको दिन में 3-4 बार सेवन करवाएं तो आपके पेट में जो अफरा है या उदर शूल है वो दूर होता है। म्यूकस वाली डिसेंट्री या ब्लीडिंग डिसेंट्री होने पर आप इस भृंगराज का यूज कर सकते हैं। आप इसकी जड़ों को ले लें और इसके बारीक चूर्ण कर लें और इसी में आप बेल का चूर्ण मिला लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच आप इसको ताजे जल के साथ 3 दिन सेवन करवाएं तो आपके प्राणी से प्राणी संग्रहणी या डिसेंट्री दूर होती है। बघंदर भी एक बहुत ही असाध्य रोग है, ये जल्दी से जाता नहीं है, इसमें जख्म हो जाती है और बहुत ही दर्द होता है। तो ऐसे में आप इसकी पत्तियों को तोड़ें और इसकी पुल्टिस बनाएं। जहाँ भी आपके बघंदर का जख्म है वहाँ इसको बांधें तो जो बघंदर है वो शुद्ध होकर और अंदर से जो जख्म है वो भर जाती है और आपके भगंदर से छुट्टी मिल जाती है। इसके साथ आप इंटरनली जो खाने वाली औषधियां हैं वो भी आप साथ में सेवन कर सकते हैं, तभी आप इस भगंदर जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जब खान पान सही नहीं रहता, तला भुना बंद पैकेट या ज़्यादा चिंता करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है तो ऐसे में पाइल्स होना आम समस्या है। तो पाइल्स होने पर आप इसकी भृंगराज की 3 ग्राम पत्तियां और करीब 5 काली मिर्च ले लें और दोनों को आप पीस लें सिलबट्टे पर और ताजे जल के साथ आप सुबह और शाम इसका सेवन 7 दिन करवाएं तो आप देखेंगे कि आपकी जो पाइल्स है उसमें बहुत ही आराम होता है। अगर आप इसमें तला भुना, खटाई, मिठाई आदि चीज़ें बंद कर देते हैं तो 7 दिन में ही आपकी जो बवासीर है वो ठीक हो जाती है। और मसों पर आप इसके पत्तों का वफारा दें, उससे आपके मसों में भी दर्द होना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार आप इस भृंगराज का उपयोग कर सकते हैं। पुराने से पुराने जख्म हो, घाव हो, ऐसे में आप इनकी पत्तियों को
तोड़ लें और इसकी पुलटिस बनाकर बांधें तो कैसे भी जख्म व्रण क्यों ना हो वो ठीक हो जाते हैं। शरीर में पुराने से पुरानी खुजली है, जाने का नाम नहीं लेती, तो ऐसे में आप इसके पत्ते ले लें 10 ग्राम, जवासा ले लें 10 ग्राम, चिरायता 60 ग्राम, सरपुंखा 60 ग्राम और 100 ग्राम पानी में आप इसको पीस कर छान लें और इसमें करीब 20 ग्राम शहद मिलाकर आप रख लें और करीब 1 से 2 चम्मच की मात्रा में आप सुबह और दोपहर और शाम आप 1 सप्ताह आप इसका नित्य यूज करते हैं तो आपके जो पुराने से पुराने स्किन प्रॉब्लम है, खुजली है, ये सारी नामो निशान नहीं रहती। आप इसका यूज करके देखें, खुजली में इस भृंगराज का बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है। बिच्छू के काटने पर आप इनकी पत्तियों को तोड़कर सूजन वाले स्थान पर बांधते हैं तो आपके बिच्छू का जो विष है वो उतर जाता है और आपकी जलन भी वहाँ नहीं होती है और बुखार भी नहीं आता है। जो छोटे बच्चे हैं जिनको कैल्शियम की कमी हो जाती है और मिट्टी खाते हैं, घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चा मिट्टी खाना नहीं मान रहा है, हम क्या करें, हमने सारे उपाय करके देख लिए हैं। तो आप ऐसे में इस भृंगराज की जो थोड़ी सी आप पत्तियां ले लें और इसका रस निकाल लें और 1 चम्मच रस आप सुबह और शाम पिला देते हैं 3 से 4 दिन तो वो बच्चा अपने आप मिट्टी खाना बंद कर देता है। ये कोई बताने वाली बातें नहीं है, आप इसका यूज छोटे बच्चों पे करा के देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बच्चा मिट्टी खाना तुरंत बंद कर देता है, ये इतना पावरफुल है। ऐसे ही छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको सूखा रोग हो जाता है तो हमने सूखा रोग में इसमें कई बच्चों को करा कर देखा है कि आप इस पत्तियों को तोड़ें और बच्चे को पूरब की साइड में आप मुँह करा कर बिठाएं और उसकी जो स्पाइन है उसके ऊपर इस भृंगराज की पत्तियों को हल्के से आप मालिश करें। जब आप थोड़ी सी मालिश करते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद उसमें से छोटे छोटे से लंबे से इसमें से कीटाणु दिखने लगेंगे सफ़ेद रंग के, वो आप एक दूसरे जो व्यक्ति हैं उनसे आप कहें कि इनको हाथ से या किसी चिमटी से पकड़ कर निकालते रहें, तो इस प्रकार आप निकाल देंगे तो आप ऐसा करीब 2-4 हफ्ते करवाते हैं तो उसको सूखा रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो इसको सूखा रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भृंगराज बहुत ही महा औषधि है और ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, इसके जितने भी लाभ आपको बताए जाएँ वो कम हैं। और आप अपने क्षेत्र में इस भृंगराज का यूज कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आने वाली वीडियो में हम आपकी बात को शेयर करें और आपकी जो जानकारी है सब जनहित तक पहुंच सके। तो जैसे कि बताया, ये लीवर डिसीज में भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है। तो पीलिया रोग में भी इसको 2 बार यूज करवाते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी जो पीलिया है, जॉन्डिस है, वो दूर हो जाती है। तो यूज इस प्रकार करवाना है, आपको मुट्ठी भर इसका पंचांग ले लेना है और रविवार के दिन आप सुबह करीब सूर्य उदय से पहले पहले आप उसको किसी सिल पर पीस कर और 4 से 5 काली मिर्च उसमें पीस कर डाल दें और 250 ग्राम आप दही के साथ आप उसका सेवन करा दें तो आप देखेंगे कि एक ही बार में आपकी पीलिया ठीक हो जाती है। अगर किसी कारण अगर आपको लगता है कि इसमें अभी कोई कमी है, पीलिया रह गई है, तो आप उसकी दूसरी खुराक आप बुधवार को दे सकते हैं। इस प्रकार आप इसकी 2 खुराकें रविवार और बुधवार को 2 खुराकें आप मात्र दे दें भृंगराज की कमला या पीलिया में, तो देखेंगे कि आपकी जो पीलिया है, जॉन्डिस है, वो संपूर्ण ठीक हो जाती है और शरीर पर नई तेज और ओज आ जाता है। तो भृंगराज एक रसायन भी है, इसका यूज आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो भृंगराज का आप 1 ग्राम चूर्ण और 6 ग्राम मिश्री और 3 ग्राम घी, ये तीनों मिलाकर आप इसको खाली पेट नित्य सेवन करते हैं और खाने में सिर्फ आप दूध का सेवन करते हैं तो आप 60 दिन ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में ओज, तेज, चमक या जो कोई भी बीमारी है वो दूर हो जाती है, आपका शरीर जो है निरोगी हो जाता है। तो ये भृंगराज एक परम रसायन भी है, तो इसका यूज आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो इस भृंगराज की जो महत्वपूर्ण जानकारी इतनी ही थी और हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।